दोस्तों फ्रेंड टीआर प्रोडक्शन में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका दोस्त नहीं दे और मैं आज आप लोग को लेकर आया हूँ रेड टैप का क्लॉक्स और आज अनबॉक्सिंग करेंगे टू क्लॉक्स और दोनों का दोनों ही आपको रेड टैप का ही मिलेगा। देख सकते हो बॉक्स मेरे पास आ चुका है और दोनों का दोनों ही रेड टैप का ही है और काफ़ी पॉपुलर है ये क्लॉक्स, 700 के अंदर आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा क्लॉक्स है ये। फ्लिपकार्ट मैंने रिव्यू देखा था बट ऑरिजिनली मैं देखूंगा आज इसका क्वालिटी कैसा है, लेने लायक है कि नहीं, तो उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ये अच्छा है कि बुरा है। तो चलिए बिना देरी करें दोनों के दोनों पैकेट ओपन करके और देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। तो ये प्रोडक्ट चलिए ओपन करते हैं, इसे भी ओपन करते हैं। तो देख सकते हो दोनों का मॉडल ऐसे दिखेगा दूर से, तो चलिए आपको सामने से दिखाते हैं इसका क्वालिटी कैसा है, ग्रिप कैसा है, उसके बाद ही आपको फाइनल डिजाइन देंगे। उसके पहले मैं इसे पहन के एक बार चेक करूंगा और देखेंगे इसका कॉम्पोनेंट कैसा है, तो उसके बाद ही फाइनल डिजाइन देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये रेड टैप का क्लॉक्स, आज दोनों ही अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इस वीडियो पे, एक ही वीडियो में दोनों शू आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हो दोनों का डिजाइन, ये रेड टैप का, ये भी रेड टैप का, एक ब्लू वाला भी रेड टैप का ही है, एक फ्लो प्लस मॉडल नंबर और ये नॉर्मल मॉडल। ये मॉडल देख सकते हो एक कॉमन मॉडल है, ऐसे दिखता है, हर एक कंपनी का ऐसे मॉडल आपको दिख जाएगा और इसका पैटर्न भी देख सकते हो ये भी सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ये नॉर्मल सा एक क्लॉक्स है, क्लॉक्स से कॉपी किया हुआ। तो यहाँ पर रेड टैप का ब्रांडिंग और 10 नंबर मैंने मंगवाया है, तो 10 नंबर यहाँ पर बैजिंग है और अंदर भी देख सकते हो सेम ही है, बस क्वालिटी थोड़ा अच्छा है ये भी इसका, बट इसका क्वालिटी ये जो रेड टैप का फ्लो प्लस, इसका पैटर्न देखिए, इसका डिजाइन देखिए, इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, इसका डिजाइन देख सकते हो डिजाइन काफ़ी अलग है और क्वालिटी में ये बेटर, इससे बेटर है ये, और इसका पैटर्न देख सकते हो और ये जो डिजाइन है, मतलब एक बार सोल को ध्यान से देखिए, दोनों का सोल ये थोड़ा कॉम्फर्ट आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, ये भी कॉम्फर्ट इसमें भी है बट इसमें चलने में थोड़ा फर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर एक कार्ड भी दिया गया है और इसका सामने वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा है और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा पतला है, तो इसके कारण यहाँ पर हिल एरिया भी दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर हिल एरिया है और यहाँ पर सामने वाला हिस्सा फ्लैट है, तो इससे ग्रिप थोड़ा अच्छा मिलता है और इसका जो ग्रिप है इसका भी ग्रिप भी अच्छा है, ये फ्लैट सोल है देख सकते हो, ये फ्लैट सोल पूरा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये नॉर्मल सा जो क्लॉक्स होता है ऐसे ही क्लॉक्स है और इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है, थोड़ा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है यहाँ पर रेड टैप का ब्रांडिंग, और ये भी मैंने 10 नंबर मंगवाया है, बस 10 नंबर अच्छा ही है देख सकते हो, अंदर भी क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी इसका थोड़ा मुझे बेटर लगा इससे, दोनों का क्वालिटी अच्छा है बट इसका थोड़ा डिजाइन और यूनिकनेस इसमें अच्छा ही है। तो चलिए इसका डिजाइन और क्वालिटी तो आपको दिखा दिया, इस पर बैंड टेस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा मीडियम किस्म का सॉफ्ट है, तो देख सकते हैं कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, और ये सब वाटर प्रूफ शू होता है बट डायरेक्ट सनलाइट पे क्लॉक्स कभी भी मत रखिएगा, क्लॉक्स खराब हो जाएगा टोटली। इसको भी देख लेते हैं, ये भी मीडियम किस्म का सॉफ्ट है, और ये जो स्ट्रिप है ये गम से पेस्टिंग किया गया है, एक कुछ दिन बाद उतर जाएगा, एक मेरा क्लॉक्स में भी उतर गया, मैंने कभी भी इसे लगवाया है, ये उतर जाएगा, ये जो स्ट्रिप है रेड कैप वाला जो स्ट्रिप है ये वाला,
ये उतर जाएगा कुछ दिन बाद, बट ये वाटर प्रूफ है पूरा टोटली। अब इसे वाटर में जाकर पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट सनलाइट पे, डायरेक्ट सनलाइट पे मत रखिएगा, नहीं तो पूरा सूट खराब हो जाएगा आपका, पूरा एकदम सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, तो पहन नहीं पाओगे। तो चलिए इसे एक बार पहन के देखते हैं, उसके बाद फाइनल डिसीजन आपको दे देते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है नॉर्मल क्रॉक्स रेक्टैक्टर, नॉर्मल लुक्स वाला, आप कंफर्टेबल है ऐसा वाला पॉप क्रॉक्स आपको कंफर्टेबल ही मिलेगा, कंफर्टेबल है, क्वालिटी भी काफी अच्छा है। देख लीजिए फिटिंग्स, देख सकते हो मैंने 10 नंबर मंगवाया है, 10 नंबर एकदम परफेक्ट फिट आया है मेरे पे। ये आपका रेट है ट्रेंडी, देख सकते हो कंफर्टेबल है। तो चलिए दूसरे वाला क्लॉक्स को पहनते हैं और देख, ये है दूसरा वाला, तो ये भी 10 नंबर मंगवाया है, बट यहाँ पर थोड़ा टाइट है, पोर्शन थोड़ा टाइट मिलेगा आपको, बट ये पहनते पहनते ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से, बट कंफर्टेबल है। और फिटिंग्स भी देख सकते, फिटिंग्स देख सकते हो, मैंने 10 नंबर मंगवाया है और 10 नंबर काफी अच्छा ही है, फिटिंग्स काफी अच्छा है, थोड़ा इधर टाइट है इधर। और लुक्स देख सकते हो, इसका लुक्स थोड़ा अलग है, अब इसे भी 100% ले सकते हो, काफी अच्छा है। तो चलिए फाइनल डिसीजन आपको दे देते। तो फिर हम लोगों ने देखा ये वाला रेड टैप का क्लॉक्स, मैंने दोनों क्लॉक्स मैंने अनबॉक्सिंग किए और दोनों का दोनों ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें। ये थोड़ा रेगुलर दिखता है, एक रेगुलर क्लॉक्स है, और ये थोड़ा यूनिक दिखेगा आपको, इसका डिजाइन थोड़ा अलग है और सोल का पैटर्न भी अलग है। तो दोनों ही आप ले सकते हो, आपको जो भी डिजाइन पसंद आता है वो लीजिए, दोनों का दोनों ही अच्छा क्लॉक्स है, 700 के अंदर आपको मिल जाएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बाई भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, और क्लॉक्स काफ़ी अच्छा है। तो स्पेशली ये जो ब्लू वाला है, ब्लू में काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पर मैंने 10 नंबर ही मंगवाया है, दोनों का दोनों ही 10 नंबर है साइज, बट इसमें थोड़ा मुझे टाइट लगा, इसमें यहाँ पर थोड़ा टाइट है सूट। अगर आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है तो एक साइज आप लीजिए, ये वाला ब्लू वाला आप लोगे तो ठीक है, अदरवाइज फिटिंग्स काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइट है, ये एडजस्ट हो सकता है, पहनते ये एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। तो यही था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर आपको आंसर दूंगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बनाते रहता हूँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, जरूर आप लोगों को आंसर दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद जय भारत।